क्लास टेंथ मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI बहुपद चैप्टर से आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस छः के शून्यंक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स है, तो पाँच एक्स को हम लिखेंगे माइनस तीन एक्स तो माइनस दो एक्स, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि हमारा आंसर तीन और दो आएगा, माइनस में आया है तो प्लस में आएगा श्योर है, तो आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट में आपको हम आइडिया बता रहे हैं, सी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दो है, एक्स स्क्वायर है और ये आपका प्लस टू एक्स है और प्लस वन है, तो बी का मान हो गया आपका दो, ए का भी मान हो गया एक, ठीक है। और फॉर्मूला होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे मान आएगा आपका माइनस दो और एक आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस दो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शून्यांकों का गुणनफल आठ है, तो इसके शून्यक होंगे। गुणनफल क्या है जी, शून्यांकों का गुणनफल आठ दिया हुआ है, बहुपद इतना है। तो देखिए गुणनफल आठ है, शून्यांकों का गुणनफल तो होगा ए बाई माने कि सी बटा ए होता है, एक जगह पर एक है या सी की जगह ए है, तो ए का मान आठ हो जाएगा। एक ए का मान क्या हो गया आपका आठ हो गया, ये तो सियोर हो गया आपका, ठीक है। दूसरा आपका एक हो जाएगा, इसका अर्थ है कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इतना दिया हुआ है कि शून्यंक है, तब अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा के मान ज्ञात करना, गुणा कीजिए, तो हो जाएगा अल्फा बीटा आप प्लस अल्फा आप बीटा प्लस वन। तो अल्फा प्लस बीटा के मान रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा के मान रख देंगे, यहाँ से मान निकाल कर हम, तो हमारे पास देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए माइनस बी, तो पूरा सी का मान हो जाएगा और बी का, ये सी का मान हो जाएगा और ये बी का मान हो जाएगा और ये ए का मान, तो माइनस बी भाई है, तो इसका हो जाएगा आपका ए, ये जो है माइनस ए और माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे एक हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका सिर्फ ए आ प्लस वन, ठीक है। इस तरह से आपका मान हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका ए से ए कट जाएगा, ए से ए जो है आपका कट जा रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच गया वन माइनस सी, वन माइनस सी आपका जो है बच जाएगा यहाँ पर, ये बी है आपका, सॉरी ये बी है, तो वन माइनस बी बच जाएगा, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस पाँच के शून्यंक इतना है, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ पर ए का मान एक है, बी के मान माइनस तीन है और सी के मान पाँच है, तो मूलों का योग हो जाएगा खाली तीन और गुणनफल हो जाएगा पाँच, तो यहाँ बाटा में हमारा आ जाएगा पाँच, समझ गए ना। बाटा में जब ऑलरेडी आपका पाँच आ रहा है, इससे स्पष्ट है कि सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छः नंबर क्वेश्चन है, इतना आपको दिया हुआ है, इस एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर अब बटा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब जो है अल्फा इंटू बीटा का मान होगा बटा में क्यू, यानी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो सब में दो गो में क्यू स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कौन आ रहा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा टू क्यू आ माइनस में होगा, इसका अर्थ है कि आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सात नंबर, आपको इतना दिया हुआ है पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर, और इतना भी दिया है, इतना से हम भाग देंगे तो पी क्यू बराबर क्या प्राप्त होगा बताना है, तो पी क्यू बराबर आपका एक आ जाएगा, ठीक है। इतना है शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो बी के मान क्या होगा, बी के मान आपका माइनस एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन है बहुपद इतना के शून्यंक बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हो तब क्या होगा, तो आपका जीरो हो जाएगा। इतना दिया है तो शून्यंकों का गुणनफल तीन है,
तो तीसरा शून्यांक क्या होगा, तो 3 आ जाएगा। एक शून्यंक जो है 3 है, तो उसका गुणनखंड क्या होगा, शून्यंक जो है तो x माइनस 3 हो जाएगा, आंसर बी नंबर। पी एक्स क्यू एक्स इतना बराबर है तो घात, तब तो आर एक्स बराबर क्या होगा, तब तो आर एक्स बराबर आपका हो जाएगा पी एक्स, आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक त्रिघातीय बहुपद है, शून्यंक इतना है, बाकी शून्यंक क्या होंगे, बाकी शून्यंक आपका हो जाएगा 1 और माइनस 1, आंसर हो गया बी नंबर। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का शून्यंक केवल होगा, तो केवल आपका हो जाएगा 0 और 1, आंसर हो जाएगा डी नंबर। घात एक वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए VVI जो है क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, सिर्फ VVI चैप्टर वाइज बता रहे हैं। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और एक भी वीडियो देखना नहीं छोड़ें। यदि आपको 10th क्लास का एग्ज़ाम देना है अगली बार, तो आप ज़रूर वीडियो को देखें और फुल वीडियो देखें, आपको पूरा समझ में भी आएगा, प्लस आपका पूरा VVI क्वेश्चन जितना भी है टोटल आपको हम VVI क्वेश्चन करा देंगे।